मैं डॉक्टर बशारत पंडित, गायनोकोलॉजिस्ट, सीएससी राजपुरा। मैंने रिसेंटली यहाँ पे ज्वाइन किया कुछ दिन पहले, हफ्ता एक 10 दिन पहले एक पेशेंट हमारे पास आई जिसको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी। तो हमने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया जिसमें एडनोमायोसिस निकला था। वो पेशेंट पिछले 2-3 साल से एडनोमायोसिस का ट्रीटमेंट ले रही थी, जिसकी मतलब जो मेडिकल ट्रीटमेंट उन्होंने लिया था उनसे उनको आराम नहीं मिला था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसकी हिस्टेरेक्टोमी करूँगा, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुपया, पुलवामा या कुलगाम से ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं सारे रेफर होते हैं एलडी हॉस्पिटल, क्योंकि ऐसी सर्जरीज एलडी हॉस्पिटल में ही होती है। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि एलडी हॉस्पिटल काफ़ी ओवरबर्डन हॉस्पिटल है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश रहता है ऐसे पेशेंट्स का, और ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट्स का भी, प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स का भी। तो इन बेचारे पेशेंट्स को तो वहाँ पे डेट थोड़ा दूर मिलता है और आने जाने का भी खर्चा लगता है, फिर खाने पीने का भी वहाँ पे खर्चा लगता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसकी हिस्टेरेक्टोमी यहाँ पे कर लूँगा। मैंने इस बारे में डॉक्टर जावेद साहब जो कि हमारे बीएमओ हैं उनसे बात की, अपने थिएटर स्टाफ से बात की। मैंने इनसे पूछा कि हम ऐसी सर्जरी यहाँ पे कर सकते हैं, तो इन्होंने वेलकम किया। ये मिस्टर मोहम्मद मकबूल हैं, हमारे ओटी स्टाफ के यहाँ पे हेड हैं। तो इन्होंने काफ़ी हमारा ताउन किया इसमें, और बीएमओ साहब ने भी हमें वेलकम किया कि इन्होंने बोला क्यों नहीं हम कर सकते हैं, क्यों करेंगे यहाँ पे, ऐसे पेशेंट्स हम एलडी नहीं भेजेंगे, यहाँ पे हम ऐसी सर्जरी कर सकते हैं। तो मैंने इनिशिएटिव लिया, माशाल्लाह हमने उनकी सर्जरी की और जो काफ़ी अच्छे से हो गई। इसके लिए हमारे सीएमओ साहब का, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का, और बीएमओ जो है मानो